अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीएस स्टूडियो बाय चैनल पर। तो आज ये क्या हूं, मैं यहां पर बिगिनर और जो फोटोज यूज करते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग वीडियो, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि यहां पर जो कलर टोन जिस तरह की आजकल की ट्रेंड पे चल रही है, मैनिपुलेशन, डबल कलर टोन, दोनों साइडों से कलर होता है, वो किस तरह तैयार करते हैं फोटोशॉप में। तो आपको ले चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। उससे पहले आपने जो करना है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल यूट्यूब चैनल को, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और वीडियो जो थोड़े मिनट की है इसको पूरा देखें और कमेंट में बताना है कि यहाँ पर मेरी वीडियोस में आपको हेल्पफुल होती हैं। तो बगैर वक्त जाया कि चले वीडियो की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। यहाँ पर जो है, यहाँ पर देख सकते हैं एक साइड पे जो है पिक्चर कलर में है और एक साइड पे जो है बगैर कलर के है। तो अभी हमने यहाँ पर जो करना है, दूसरी साइड पे भी कलर लाना है और इस साइड पे भी थोड़ा सा कलर को बढ़ाना है। तो पहले मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी चैनल मिक्सर के साथ, इसी पिक्चर पे चैनल मिक्सर के साथ किस तरह कलर ग्रेड करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं और कैमरा वाली ये भी देख सकते हैं। ये ज्यादा इजी है, तो ये भी अच्छी वीडियो है। तो इसको यहाँ पर जो है सबसे पहले कैमरा ओपन करेंगे। कैमरा में आपको जो मेन सेटिंग्स है यहाँ पर वो आपको दिखाते हैं। कैलिब्रेशन में है, कैलिब्रेशन में यहाँ पर जो है सारा काम होगा। इस पर जो भी कलर टोन वगैरह सेट होंगे वो कैलिब्रेशन में होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू को मैंने इस तरफ से थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अभी ब्लू को थोड़ा सा डार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर ब्लू को थोड़ा सा डार्क कर दिया। अभी जो है हमने इस साइड पे जो रेड कलर लेके आना है, ये देखिए यहाँ पर रेड भी आ सकता है, यहाँ पर येलो भी आ सकता है, बट यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा ओवर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा पूरे की यहाँ पर कलर थोड़ा सा कम कर दूंगा एंड प्रेस देने पर। यहाँ पर देखें हमने थोड़ा सा यहाँ पर कैमरा और पिक्चर फिल्टर अप्लाई किया और पिक्चर में थोड़ा सा ग्लो आया है। अभी यहाँ पर हमने जो करना है, न्यू लेयर ले लेंगे। लेयर लेने के बाद यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है और ग्रेडियंट जी प्रेस करेंगे, यहाँ पर ग्रेडियंट आ जाएगा। ग्रेडियंट में यहाँ पर आपने कोई भी यहाँ पर से कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना है और सिंपली ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करके फेस के हाफ साइड पर इसको ले आएंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ पर इस पर आप देखेंगे कि कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन बेस्ट अप्लाई होगा। यहाँ पर मेरे पास जो है जो डार्कन कलर तरह का ये जो है अप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर मैं जो डार्कन पे रखूंगा, ये देखें यहाँ पर डार्कन नहीं, ये डिफरेंस आया है। अभी यहाँ पर दूसरी तरफ जो है फिर से लेयर बनाएंगे और लेयर बनाने के बाद यहाँ पर दूसरी साइड पे हमने जो रेड कलर लेके आना है, रेड कलर को थोड़ा सा यहाँ पर हमने ग्रेडियंट दिया एंड इसको बढ़ा दिया। यहाँ पर फिर से हम चले गए ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में यहाँ पर ये देखिए हमने यहाँ पर ओवरले लगा लिया, ओवरले को थोड़ा सा कर लिया हमने कम। कम करने के बाद यहाँ पर जो है हमें फेस के अलावा जहाँ पर जरूरत नहीं है यहाँ पर इसकी, तो यहाँ से हम इसको डिलीट कर देंगे और जो ब्लू है ब्लू को भी इसी तरह बाकी जगह से डिलीट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं फेस पर एक दोनों साइड से डबल कलर ट्यून वाली यहाँ पर कलर ग्रेड हुआ है, रेड को भी थोड़ा सा यहाँ पर देखें बालों से खत्म कर लेते हैं। अभी जो है हमने फिर से इसको कर लेना मर्जी, आप देख सकते हैं इसमें कितना डिफरेंस आया है अभी 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 दो मिनट में। तो अभी इसको इक्वल कर मर्ज करने के बाद फिर से लेयर बनाई, लेयर बनाने के बाद फिर से कैलिब्रेशन ओपन कर लेनी कैमरा में और फिर से यहाँ पर जो है कलर ट्यून इसका जो इसको अपडेट करते रहना। ये देखें तो यहाँ पर आप जो जिस तरह का मर्जी कलर चाहे बना सकते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर भी मेरा थंबनेल है आप उसको देख सकते हैं, मैंने वो कलर भी इसी कैमरा से अप्लाई किया है। यहाँ पर ब्लू, ये थोड़ा सा डार्क ब्लू, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है इसकी ब्लू की सैचुरेशन कम करेंगे। जो ऑरेंज है यहाँ पर ऑरेंज को देखते हैं आप, यहाँ पर इंटर कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर इसमें बहुत ही ज्यादा चेंजेस आए हैं आपके अभी सामने, जस्ट दो या तीन मिनट की वीडियो होगी। तो वीडियो मैंने आपको बताया किस तरह हम कैमरा से यहाँ पर डबल टोन पिक्चर बना सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर बैकग्राउंड ब्लैक में है और जो फ्रंट है यहाँ पर कोई कलर नहीं, आपने कोई साइड से कलर फेड नहीं दिया, सिंपली कलर है यहाँ पर फेस का जो ओरिजिनल कलर है, जिस तरह की यहाँ पर मेरे पास एक दो पिक्चर्स पड़ी हैं, ये पिक्चर है, इसके बाद इसी तरह दो चार और हैं, तो इन पर किस तरह से हम डबल एक्सपोजर यहाँ पर लगा सकते हैं, तो ये वीडियो आएगी नेक्स्ट में इंशाल्लाह। वेट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो मिस ना करें कोई भी, और डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करें, यहाँ पर मैं बहुत सी चीजें फ्री में दे रहा हूँ आपको,
पिछली वीडियो भी चेक करिएगा, हमने मैंने लर्ट्स फ्री प्रीसेट्स वगैरह हर चीज आपको फ्री में दी है, तो उनको भी चेक करेंगे और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।